Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and you are watching lecture 5 on the Modern History series. Before I tell you about today's lecture, I just hope I'll tell you again, if you have seen the introductory lecture or if you have not seen it, please see it again. And if you have not seen the 4 lectures before this, it is very important that you see them. Above is the link for seeing those lectures, right? Now I'll tell you why those lectures are important. I'll give you the brief overall structure of what we have done so far so that we can easily understand what we are doing ahead. अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी एक मोटी सी समरी दूंगा उसके बाद, ताकि हमें पता लग सके कि आगे क्या करना है. हमने सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हम पूरी पढ़ाई कैसे करने वाले हैं. एंड देन आफ्टर इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने इसे पहले 4 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं. पहला लेक्चर तो जो था वो था मुगल्स के बारे में, ये थे अर्लियर मुगल्स. एंड फिर दूसरा लेक्चर जो था ये था मुगल, ये भी मुगल्स के बारे में था बट दीज वर लेटर मुगल्स. ठीक है जी. अब हुआ क्या, जब ये मुगल एम्पायर ये वीक होना शुरू हो गया तो जो लोकल स्टेट्स थी वो स्ट्रांग हो गई. तो हमने फिर एक एक करके पूरे इंडिया की लोकल स्टेट्स के बारे में पढ़ा, जिससे हम ये समझाएंगे कि कैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स आई और फिर कैसे ब्रिटिशर, हमने ये भी पढ़ा, एक एक स्टेट से लड़कर धीरे धीरे पूरे इंडिया को कंट्रोल करेंगे. एंड मूविंग इन द सेम लाइन, व्हेन ब्रिटिश मुगल्स गॉट वीकेंड वी एक्सप्लोर्ड अबाउट वेरियस स्टेट्स इन इंडिया. वी रेड अबाउट सक्सेशंस रेबेलियस स्टेट्स. We already done this and those states which had a least impact of Mughals. So under these we studied about various states like this was all covered in lecture lecture 3 and lecture 4, right? Because lecture 4 was also about states only. Lecture 3 was about, we covered Marathas. Marathas was a huge topic, so I gave a dedicated lecture to it. Then we covered various states in the last lecture. For example, we covered Mysore, we covered this Kerala. So various things were covered, right, etc. Right. Now the fifth lecture, the today's lecture, this is about the succession states. What do you mean by this? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सक्सेशन स्टेट्स के बारे में. ये बेसिकली तीन हैं. एंड तीन क्या हैं? पहली है हैदराबाद एंड कर्नाटक का एरिया जो है, नंबर 2 इज अवध एंड तीसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट बंगाल. आज का सारे लेक्चर का मेन फोकस इसी पर होगा, बंगाल, जिसके हम प्लासी, बक्सर के एक्सेट्रा, इन चीजों के बारे में पढ़ाई करेंगे. सो मूविंग अहेड, आज जस्ट बैकग्राउंड, मुगल हुआ क्या था, हम यहां पर पहुंचे कैसे. मुगल एम्पायर कमजोर हो गया, मुगल एम्पायर वीकेंड, बिकॉज ऑफ विच लोकल पोलिटिकल इकोनॉमिक फोर्सेज बिगेन टू राइज. और फिर उससे क्या हुआ, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट पार्ट्स सच एज बंगाल, अवध, मैसूर एंड मराठास. एंड फाइनली ब्रिटिश हैड टू फाइट दिस पार्ट्स टू गेन सुप्रीमेसी ओवर इंडिया. आई हैव एक्सप्लेन यू दिस थ्रू द अर्लियर स्क्रीन, एट द अर्लियर स्क्रीन ऑल्सो. सो मूविंग अहेड, अब आगे चलते हैं. पूरे इंडिया को 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. एक है सक्सेशन स्टेट, दूसरी है रेबेलियस स्टेट्स और तीसरा है अनटच स्टेट्स. तो जो सक्सेशन स्टेट्स हैं वो तीन ही मेनली हैं, बंगाल, अवध एंड हैदराबाद. यहां पर क्या हुआ, जब सेंट्रल पार्ट डिक्लाइन हो गई तो सेंट्रल मुगल्स ने क्या कर रखा था, गवर्नर जो सब जगह लगा रखे थे अलग अलग स्टेट्स में. देखिए जैसे आज इंडिया है, एक लेट्स सपोज आई क्विकली एक्सप्लेन यू, दिस इज होल ऑफ इंडिया, राइट, दिस इज अ वेरी रफ मैप एक्चुअली, बट कैन बी बेटर. ओके, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, दिस इज लाइक 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. नाउ वी हैव वेरियस स्टेट्स, राइट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज गुजरात, नाउ दिस इज वन स्टेट, राइट, सेम वे यू हैड सो मेनी अदर स्टेट, दिस इज ओवर हियर केरला. सो दिस वे इट्स जस्ट अ रफ मैप टू अंडरस्टैंड इट. सो सेम वे इन द मुगल एम्पायर देयर वर वेरियस स्टेट्स व्हिच लुक्ड वेरी डिफरेंट, राइट, फॉर एग्जांपल डेक्कन लुक्ड वेरी डिफरेंट एंड त्रावणकोर लुक्ड वेरी डिफरेंट, केरला लुक्ड डिफरेंट. सो विल टॉक, आई विल बी शोइंग यू मैप्स ऑल्सो ऑफ दोस स्टेट्स, वो कैसी दिखती थी उस टाइम पे. कुछ मैप्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि मराठा एम्पायर कैसा दिखता था या फिर पंजाब का एम्पायर कैसा दिखता था, ऐसे ऐसे करके मैं आपको चीजें दिखा चुका हूँ. पंजाब एम्पायर लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई इफ यू रिमेंबर दिस, राइट, दिस वॉज पंजाब एम्पायर. एनी वे, सो अब क्या है, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बंगाल के बारे में, अवध और दूसरी स्टेट जो आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, मराठा, अफगान, जाट, पंजाब. And this was in this thing. This is was lecture number 3 and lecture 4. This and this, right? Number this, all this. So moving ahead. Now we'll start with today's lecture, succession states. First, I'll quickly talk about Hyderabad. There is nothing much in this.
आई जस्ट क्विकली कवर इट. हु स्टार्टेड हैदराबाद, यू हैव टू रिमेंबर फ्यू नेम्स हेयर. देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, जो द नेम्स यू हैव टू रिमेंबर, जो नाम याद मैं आपको करने का हूँ, प्लीज डू रिमेंबर दोज नेम्स. स्पेशली अगर आप सारे याद कर सके अच्छा है, नहीं कर सके इज फाइन, लेकिन कुछ नाम आपको याद करने ही करने हैं. एंड हु फाउंडेड हैदराबाद, आपको ये नाम याद होना चाहिए. एंड भाई साहब का नाम है निजाम उल मुल्क आसफ जाह, और 1724 के अंदर हैदराबाद इन्होंने फाउंड किया था. इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी, या फिर इनको चिन 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 भी कहते थे, आई मीन चिन किलिच खान भी कहते थे. ये टाइटल था चिन चिन कलीच खान, गलीच गलीच खान, गलीच नहीं कहना चाहिए. इन्होंने हैदराबाद फाउंड किया था एंड अच्छे थे ये टाइटल पर, औरंगजेब इनको मिला था. अब इन्होंने अपने लिए जो टाइटल इस्तेमाल किया, ये खुद को राजा महाराजा अधिराज ऐसा कुछ नहीं कहते थे, ये खुद को कहते थे हम हैं निजाम, वी आर द निजाम्स, वी आर नो महाराजाज. व्हाट डू यू मीन बाय निजाम? निजाम मींस द डिप्टी ऑफ द एम्पायर. ही वाज अ लीडिंग नोबल एंड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरथ्रो ऑफ सैयद ब्रदर्स. डू यू रिमेंबर सैयद ब्रदर्स? इफ यू डू नॉट रिमेंबर इट, प्लीज गो बैक टू मुगल्स लेक्चर, लेक्चर नंबर 3. देयर यू विल फाइंड लॉट ऑफ मेंशन अबाउट मुगल्स, now about Sayyid brothers and their role. Now he was awarded with vice royalty of Deccan. 1720 se leke 1722 tak what happened, he consolidated his hold over Deccan India and suppressed all the opposition, and obviously that is why he found the state in 1724 mein jaake. So this is like first step, right? Pehla step ho gaya. Dusra step kya tha? 1722 se lekar 1724 tak वजीर ऑफ एम्पायर, बट ही वाज डिस्कस्टेड. जो ये थे, जो इसका वजीर था, आपको याद होगा हमने इनके बारे में वहां पर भी पढ़ा था कि द वे रंगीला इंप्रूव्ड, ही वाज डिस्गस्टेड, ही डिड नॉट लाइक द वे ही वाज वर्किंग, सो ही थॉट कि आई विल गो टू माय प्लेस एंड इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट एरिया. सो ही व्हेन ही केम बैक, ही कुड बेसिकली मेंटेन हिज सुप्रीमेसी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ हैदराबाद. आप में से कभी लोग हैदराबाद गए हैं तो आई हैव बीन देयर वंस, आई वेंट टू पुलिस अकेडमी, देयर आई सॉ दिस. And it's a beautiful place, the police academy, जहाँ पर IPS की training होती है, and so is the city of Hyderabad. Though it's a little dirty, but the places, the जहाँ का जो structures हैं, especially this Chowmalla Palace over here, oh, यहाँ पर तो खाना खाना भी एक बार ही बनता है. Such a good food and such a good place. चाउमला पैलेस बहुत सुंदर है. यहाँ पर एक सलार जंग म्यूजियम भी, it's a beautiful म्यूजियम. I'm reminded of this हैदराबाद में, उसका नाम है सलार जंग म्यूजियम, ठीक है जी. यहाँ पे I'm just mentioning these things so that आपको ऐसी बातों बातों में कुछ चीजें याद हो जाएंगी. सलार गंज म्यूजियम, दिस इज ब्यूटिफुल म्यूजियम. यहाँ पर एक मूर्ति पड़ी है एक लेडी की, फातिमा, शायद उसका नाम फातिमा नहीं है, कुछ और नाम, आई डोंट रिमेंबर द नेम. तो उसने क्या कर रखा है, मूर्ति के ऊपर चुन्नी है, और वो चुन्नी जो मूर्ति है पूरी वो मार्बल की बनी हुई है. सब आप उस मूर्ति को एक बारी देख लें, आप कह नहीं पाएंगे कि चुन्नी मार्बल की, आप कहेंगे कि असली कॉटन की चुन्नी डाल रखी है, इतनी सुंदर है वो. एनीवे, सो मूविंग अहेड, ही नेवर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. देखिए ये एक अच्छी बात थी, ये कभी मुगल्स के साथ नहीं लड़ते थे, तो आपस में चाहे ये लड़ते रहते थे, तो ऐसा क्या होता था हालांकि, और अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम करते रहते. इट वॉज ए इंटेलिजेंट मूव. अगर मुगल से लड़ेंगे, मुगल सल्तनत से नहीं ना लड़ सकते, मुगल्स का ओवरऑल रूल है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे हमारी बीजेपी है इस टाइम पे, एनडीए गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है जैसे कि कई अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, कहीं कांग्रेस है, कहीं बीजेपी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, छुटपुट स्टेट्स हैं, सो छुटपुट गवर्नमेंट्स, तो दैट इज लाइक दैट, ठीक है जी. अब ही अभी से अब महाराजे महाराजे हैं जी, क्या शौक होंगे, लड़ाइयां कर लो, लड़ाई करके क्या करोगे, अब ट्रीटी करोगे, और ट्रीटी करके क्या करते हो, आप किसी को टाइटल दे दोगे, सर यू आर दी, आई गिव यू टाइटल ऑफ महाराजा, यू आर दी जेम ऑफ आवर स्टेट, ऐसे ऐसे टाइटल दे दी इन्होंने. आई गिव जागीर्स एंड ऑफिसेस विदाउट रेफरेंस टू दिल्ली. मैंने हैदराबाद के बारे में कोई बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. हैदराबाद के पास इतना पैसा था, अभी ना कुछ साल पहले 2008-09 की बात है, तो हैदराबाद के जो प्रेजेंट निजाम है, मतलब आप तो चलो कोई मानता नहीं, बट ही उनकी जनरेशन में, ही वेंट टू हैदराबाद, वहां पर ना एक मस्जिद के अंदर एक पॉन्ड है छोटा सा, उसके चारों तरफ एक देयर इज अ चेन अराउंड अ स्मॉल पॉन्ड इन द मस्जिद. ही वेंट ओवर देयर, इट वाज अ वेरी, देयर वाज अ वेरी डर्टी चेन लाइंग देयर, एवरीवन थॉट इट दैट इट्स एन आयरन चेन, सब उसके ऊपर स्पिटिंग कर रहे थे पान खा के, या बहुत गंदी पड़ी थी. निजाम केम इन हिज हेलीकॉप्टर, पिक्ड अप द चेन विद हिज सर्वेंट एंड वेंट बैक, डिडंट से अ वर्ड. एंड व्हेन ही वाज गोइंग बैक, एवरीवन आस्क्ड हिम व्हाट इज इट, ही सेड इट्स अ चेन मेड ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड. So that was the richness. Even today, you go to Hyderabad, you find such amazing things. Anyway, moving ahead now. He followed tolerant policy towards Hinduism. देखिए ये बात बहुत important है. हमें अभी तक कोई भी नहीं मिला जिसने मुगल्स के वीक होने के बाद जो इन सब के साथ किया हो, हिंदूज के साथ बुरा किया हो, या सिख्स के साथ, या मुस्लिम्स के साथ,
एक आधे को छोड़कर सभी ने अच्छा बिहेवियर किया, वी वर सेकुलर। देखो आज हाल चाहे ज्यादा ही बुरे होंगे, मेरे को तो कई बार ये लगता है, जैसे अब देखो पूरन चंद ही वॉज इज दीवान, अच्छा ही के टर्बुलेंट जमींदार, मराठा आउट ऑफ हिज कंट्रोल, हाँ अपनी अपनी सियासत चलाते थे, अपनी पॉलिटिक्स ऊपर रखते थे, ठीक है ना जी। 1748 के अंदर ही डाइड एंड हैदराबाद फेल प्रे टू डिसरप्टिव फोर्सेस एज वर ऑपरेटिंग इन दिल्ली। व्हाट वर दीज डिसरप्टिव फोर्सेस भाई, कैन यू रिकॉल? अरे यार ये ना जो आए, कभी नादर शाह, कभी अहमद शाह अब्दाली, कभी ऑल दीज पीपल जो लूटने आते थे इंडिया को, ऑल दीज पीपल। नाउ नेक्स्ट इज चाउमाला पैलेस, आई टोल्ड यू अबाउट दिस। नाउ इट वाज आल्सो द रेजिडेंस ऑफ दीज निजाम्स moving to Carnatic. Now look at the map of India. I was talking about this is Gujarat or maybe this is like UP, right? Arunachal or Jammu Kashmir. Now that is present at that time states looked very different whose maps kept on changing very fast. Us time par jo maps bante the wo badi jaldi tez tez badalte the. To us time par jo maps badle unme se ek map tha Carnatic ka. कार्नेटिक स्टेट ऐसी दिखती थी। अब आप ध्यान से देख लीजिए इस कार्नेटिक स्टेट को। अब आप सोचेंगे जी किसके अंदर, तमिलनाडु भी, आंध्रा भी, सब कुछ ही आ गया, कर्नाटका भी, ऐसी था उस टाइम पे। ये बाउंड्रीज बड़ी बदलती रहती थी लड़ाई के मुताबिक। खैर जो कार्नेटिक थे इट एक सूबा था, सूबा ऑफ मुगल डेक्कन, मुगल्स का पार्ट था, एंड एज सच इट केम अंडर निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद वॉज द कैपिटल, बट लाइक द निजाम एज फ्री फ्रॉम, देखो हैदराबाद के निजाम के नीचे आता था ये कार्नेटिक का एरिया। अब जैसे निजाम इज फ्री फ्रॉम दिल्ली, सो वॉज डिप। अब जब क्या हुआ, जब दिल्ली के मुगल से, राजा से, रंगीला जी से परेशान होके हमारे असफर शाह जी जो वापस आ गए, इनका नाम अफसर शाह था, आसफ जाह, हाँ आसफ जाह जी वापस आ गए, तो वो जब वो वापस आए, आके उन्होंने अपना कहा मैं हैदराबाद अपने मुताबिक चलाऊंगा। वो ऐसे ही भैया कार्नेटिक के अंदर भी हुआ, वहां का जो डिप्टी गवर्नर था वो कहता है ये क्या बकवास है, हैदराबाद का गवर्नर ये अच्छे से काम नहीं करता, मैं अपने मुताबिक काम करूंगा। सो ही ऑल्सो मेड हिज ऑफिस हेरिडिटरी, और जहां पे चीजें हेरिडिटरी हो जाती हैं वहां पे गड़बड़ होती है। देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट और इट्स इन फेवर ऑफ एनी पार्टी, आई एम वेरी न्यूट्रल पर्सन, बट इफ यू लुक एट कांग्रेस व्हाट हैपेंड, आप हेरिडिटरी अगर किसी चीज को कर दोगे तो अल्टीमेटली वो चीज खत्म होनी ही होनी है। आप मेरिट पर देखो, देखो सिखों में इफ यू सी इन सिख रिलीजन, राइट, आई डोंट सी इन सिख रिलीजन, गुरुज ने, मेनी ऑफ गुरुज डिड नॉट गिव द गुरु गद्दी, द नेक्स्ट हु शुड बी द नेक्स्ट गुरु टू एनी ऑफ देयर फॉलोअर, एनी ऑफ देयर सन्स इवन, बिकॉज ऑल दैट मैटर टू देम वॉज वर्थ, वर्दी, इज द पर्सन वर्दी ऑफ दैट पोजिशन, बस। और जहां पर आप हेरिडिटरी आ जाओगे गड़बड़ हो जाओगे। मूविंग अहेड, नवाब सादतुल्ला खान ऑफ कार्नेटिक हैज मेड इट नेफ्यूज दोस्त अली खान सक्सेसर विदाउट अप्रूवल फ्रॉम निजाम ऑफ हैदराबाद। तो जो हेरिडिटरी चीज हुई वो कैसे हुई, वी सी हेयर, दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग नाउ आफ्टर 1740। देखो 1740 आ गया, देयर वर रिपीटेड स्ट्रगल्स टू गेट नवाबशिप, ठीक है जी, एंड दिस गेव ब्रिटिश एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरफेयर इनटू इंडियन पॉलिटिक्स। अरे ब्रिटिश तो मौका ढूंढते थे कब लड़ लें, वो मौका ढूंढते थे, नई मौका मिल ढूंढते थे, बना लेते थे। हम देखेंगे कैसे मौका बनाएंगे आगे जाके भी। तो लेटर ब्रिटिश यूज्ड एंग्लो मराठा वॉर एज अपॉर्चुनिटी इंटरफियरिंग लीडिंग टू मैसूर वॉर। जब एंग्लो मराठा वॉर हुई उनसे शांति हो गई और उस ट्रीटी हो गई, उस ट्रीटी में क्या डिसाइड किया गया कि हम एंग्लो मैसूर, हम आपकी मैसूर से रक्षा करेंगे, और उस रक्षा के बहाने करते करते इन्होंने सारी जगह इंटरफेरेंस शुरू कर दी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट स्टेट विच इज अवध। अवध के अंदर क्या हो रहा है, अगर आप देखें यहां पर ये है जी, इनका नाम है सादत खान, जिन्होंने अवध स्टेट बनाई थी, सादत खान बुरहान उल मुल्क, ही इज द फाउंडर ऑफ अवध स्टेट। ही वॉज बोल्ड एनर्जेटिक पर्सन। भाई आप खुद ही बनाओ ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सादत खान। अब आपको अगर इतना याद आ जाए कि जी वो उन्होंने अवध ढूंढा था, अवध की फाउंडेशन की थी, ढूंढा नहीं फाउंडेशन की थी उन्होंने, तो आप क्या लिख सकते हो? अब कैसा बंदा किसी नई स्टेट की फाउंडेशन कर सकता है जो कि जिसमें बोल्ड हो, एनर्जेटिक हो? देखो ये आपको ये वर्ड्स ना पेपर में लिखने चाहिए, ये आपको बड़े सिंपल से लग रहे होंगे वर्ड्स, क्यों लिखने चाहिए? भाई एनसीईआरटी में भी ऐसा ही लिखा है, ग्रोवर में भी ऐसे ही वर्ड्स को यूज किया गया, तो हमें इसलिए इस चीज को क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है ना जी। बोल्ड एनर्जेटिक, आयरन विल्ड, इंटेलिजेंट पर्सन। आप और मेरे जैसा बंदा जाके कहां स्टेट बना लेगा जी, ये महान लोग ही कर सकते हैं ये काम। ही हैड टू फाइट फॉर ईयर्स अगेंस्ट रेबेलियस जमींदार फॉर डिसिप्लिनिंग देम। अब आपको स्टेट बनानी है, क्या होगा? What will happen if you want to make a new state? There will be rebellious people. Who will be these rebellious people? See what happens. You want to make a state, right? For that you have to control the area. And if you have to control the area, you will have to fight discontent or
डिसेंट, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, हु विल बी द पीपल हु विल डिसेंट, दे विल बी रिच पीपल। गरीब बंदे को तो रोटी खाने को चाहिए ही, और क्या चाहिए उसे। एंड इफ यू आर रिच पीपल, हु आर द रिच पीपल इन दिस एरा, दे आर जमींदार। सो श्री सादत खान बुरहान मुल्क जी हैड टू फाइट जमींदार एंड ही डिसिप्लिन देम एंड ही एंड नाउ वंस यू कंट्रोल द एरिया व्हाट डू यू डू, यू फोकस ऑन इकोनॉमी। अब क्या लिखोगे, जब मैंने एरिया कंट्रोल कर लिया मैं इकोनॉमी को कंट्रोल करूंगा, हाउ डू आई कंट्रोल द इकोनॉमी। भैया पेजेंट पेजेंट पेजेंट, दूसरी इंडस्ट्री तो है ही नहीं हमारे देश में, दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतनी 1756 के आसपास जाके आ रही है, तो हमारे देश में कहां से कुछ आ जाएगा, हम तो पहले परेशान है इतना। तो हम एग्रीकल्चर को कंट्रोल करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, रेवेन्यू देते हैं जी, रेवेन्यू पर ही सब कुछ चलता है। तो ही ब्रिंग द रेवेन्यू सेटलमेंट इन 1723, ठीक है जी। नाउ ही इंप्रूव द कंडीशन ऑफ पेजेंट, कैसे आप पेजेंट के लिए करोगे जो करना है, इक्विटेबल लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑपरेशन बाय बिग जमींदार। एंड लाइक ऑल अदर लीडर्स ही वाज आल्सो सेकुलर, ट्रूप्स वर वेल आर्म्ड पेड एंड ट्रेन्ड। देखो ये बड़ी अच्छी बात है, आपको एक चीज याद रखनी होगी, कुछ आर्मीज तो बड़ी स्ट्रांग थी, कौन सी आर्मीज थी इस टाइम पे, मैसूर वॉज स्ट्रांग, अवध की आर्मी इज स्ट्रांग, सिक्स वर डूइंग वेरी गुड, एंड देन मराठास वर स्ट्रांग। सी हु वर वीक, वीक पीपल वीक इस टाइम पे, इन अगर हम आर्मी या मिलिटेंट स्ट्रेंथ की बात करें, देवर लेट्स से दोज वर इन दोज इन नियर दिल्ली, राइट, इवन इवन दीज राजस्थान के जो थे राजपूत, इवन देवर स्ट्रांग, बट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जाट्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है जी, या फिर रोहिल्लाज इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन इन लोगों की लड़ने की कैपेसिटी बड़ी थी, कम उसके साथ भी अच्छे से लड़ पा रहे थे, तो खैर वेरियस थिंग्स। सो ट्रूप्स आर वेल आर्म्ड पेड एंड ट्रेंड, ठीक है जी। अब आपको पता है ये पेड क्यों थे अच्छे, ट्रूप्स को पे क्यों अच्छा किया जाता है, इनको भी तो धक्के से काम करवा सकते थे जैसे पेजेंट से काम करवाते हैं। अरे भैया अगर ट्रूप्स को पैसे नहीं देंगे वो लड़ने से मना कर देंगे, फौज में जाएंगे तलवार नहीं निकालेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर आप भी मार खा के वापिस आ जाओगे, या पता नहीं वापिस भी आओगे नहीं। तो जी सादत खान साहब के बाद अगला जो इंसान आया उनका नाम था सफदरजंग। दिल्ली के अंदर सफदरजंग इनक्लेव आपने जरूर सुनी होगी, ये बड़े बड़े हमारी एम्बेसीज और बड़े बड़े नेता लोग और बहुत सारे कुछ सीनियर लोग वहीं पर उसी एरिया में रहते हैं, बहुत सुंदर एरिया दिल्ली का सफदरजंग इनक्लेव है। तो हु सी सफदरजंग ऑल्सो बिकेम द वजीर ऑफ एम्पायर, एंड ऑब्वियसली आप वजीर सेंटर के बनोगे, मुगल्स के ये थे इन 1748। एंड इसके लिए और हुआ क्या, अवध के साथ साथ इन्हें इलाहाबाद का एरिया भी दे दिया गया कि आप इसको भी संभालिए। अच्छा मैं इंजीनियर से अवध अवध करता जा रहा हूँ, ये अवध है कहाँ है, देखिए ये मॉडर्न मैप है, ठीक है जी। अगर हम यूपी को इस टाइम पे डिवाइड करें, ऊपर तो उत्तराखंड चला गया, ये ऊपर उत्तराखंड हो गया, नीचे ब्रज आ गया जहां पर ब्रज भाषा बोली गई, ये अवध है, यहाँ अवधि बोली गई, यहाँ पूर्वांचली बोली गई, और ये बुंदेलखंड का एरिया है। पूरा यूपी तीन एरियाज के अंदर आता है, हमेशा याद रखिए यूपी के अंदर कौन कैसे एरियाज हैं, बाप क्या है, बाप, दैट इज बी ए पी, ब्रज अवध एंड पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड है वो नीचे का एरिया है यहाँ पे, ठीक है जी। अवध लगभग ऐसा ऐसा इससे बड़ा था एक्चुअली थोड़ा सा एरिया, ठीक है जी। मूविंग अहेड, अब मैं आपको सफदरजंग जी के बारे में कुछ बताता हूँ। दिस गाय इज सफदरजंग, नाउ ही ब्रॉट पीस फॉर पीपल ऑफ इलाहाबाद एंड अवध। ही अब कैसे, अगर आपको पीस लाना है, ये पीस लविंग थे। देखो अवध बहुत अच्छी काम कर रही है अभी तक, तो अवध के अंदर कुछ भी बुरा नहीं हुआ, सारे राजा महाराजे अवध का अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं, अवध किंग्स एंड नवाब्स यू नो दे रिस्पेक्टेड देयर सिटीजंस, अलायंस विद मराठा सरदार। पीस लाने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, अलायंस ही करना पड़ेगा, या फिर आपको ट्रीटी करनी पड़ेगी। अब क्या हो रहा है कि ही वन द लॉयल्टी ऑफ राजपूत, बंगश पठान से उस टाइम लड़े, अब वो मैं आपको पहले ही बताया ये लड़ते बहुत थे बंगश पठान रोहिल्ला, इनके साथ लड़ पड़े, अगेन ही वॉज अ सेकुलर लीडर। भैया आप आंखें बंद करके सेकुलर लिख देना पेपर के अंदर, अगर ये प्रॉब्लम में अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब तो देख लो ये यूपीएससी वालों के लिए तो सी सेट पेपर टू की वैल्यू कम होगी, ये आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये लेक्चर अगर ध्यान से आपने सुन लिए ना, आपको कोई नहीं रोक सकता यूपीएससी का प्रीलिम या फिर मेंस का पेपर क्लियर करने से। बहुत ध्यान से सुनना और बार बार इनको सुनना, रिवाइज करना, खाना खाते हुए, कहीं कुछ भी एक्सरसाइज करते हुए आप इनको सुनिए, लेक्चर्स को रिकॉर्डिंग्स को सुनिए बार बार। तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी लेड टू डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट लखनऊ कल्चर, इसको क्या कहते हैं जी, गंगा यमुना कल्चर भी कहते हैं इसे, गंगा यमुना कल्चर। वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल मोरालिटी, उस टाइम पर हाई स्टैंडर्ड पर्सनल मोरालिटी क्या होता था, ओनली वन वाइफ,
कहां दस दस किसी की, चार चार किसी की, यहाँ ओनली वन वाइफ. रिस्पेक्ट फॉर दिस मैन यार. उस टाइम पे आप सोच के तो देखो क्या उस टाइम पे मतलब हो रहा था. उस आफ्टर सफदरगंज द हेड जो आए उस टाइम पे, उनका नाम था नवाब वजीर. सो हमने अभी तक दो पढ़े हैं, ठीक है जी. एक है सादत खान और एक है सफदरजंग, ठीक है जी. और सफदरजंग इनक्लेव तो आपको कभी वैसे नहीं भूलनी चाहिए. तो सादत खान यानी कि शाहरुख खान सादत खान, और सफदरजंग तो इनक्लेव ही है. सादत खान शाहरुख खान से लेकर एस जे सफदरजंग इनक्लेव तक. शाहरुख खान आया सफदरजंग इनक्लेव के अंदर घूमने, कि अब भी बड़े लोग ही आते हैं वहां पे. हम आम लोग तो मक्खियां हैं जी, वो कहां पर आते हैं. वी आर फ्लाइज, आम कॉमन पीपल. देन शुजाउद्दौला आया. अब ये फालतू के नाम है. शुजाउद्दौला इज इंपॉर्टेंट नेम, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस. ही टुक पार्ट इन वेरियस वॉर्स व्हिच वी विल बी टॉकिंग अबाउट, इंक्लूडिंग बैटल ऑफ बक्सर इन 1764. रिमेंबर दिस डेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. नाउ आसफउद्दौला, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ. साहब लखनवी कल्चर तो अब सब जानते ही, मैं बता चुका इसके बारे में. देन के नाउ दीज आर वेरी माइनर नेम, यू डोंट हैव टू रिमेंबर मच. सादत अली केम, देन नवाब वाजिद अली शाह केम. वाजिद अली शाह वाज़ द लास्ट, इनको वाजिद भी कहते हैं. साजिद वाजिद सिंगर भी हुए हैं हमारे वहाँ पे, आप उनके नाम से भी इनको याद रखना चाहें. जैसे ही साजिद वाजिद सिंगर आए, म्यूजिक की बैंड बज गई. एक्चुअली बैंड नहीं बजी, दैट इज अ वे टू रिमेंबर इट. वाजिद के आने से क्या हुआ, उसको कलकत्ता भेज दिया और अवध के गवर्नर का खत्म हो गया जी. सुना है अवध अंपायर ही खत्म हो गया. लेकिन एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अवध का मिसयूज करते थे, ठीक है जी. वो इसको एग्जैक्टली अनेक्स भी नहीं करते थे और एग्जैक्टली इसको मतलब कंट्रोल भी कर रहे थे, दोनों चीजें कर रहे थे. जनरल ऑब्जर्वेशन क्या थी, तीनों फाउंडर आप बंगाल हैदराबाद के गवर्नर उठा लीजिए, निजाम उल मुल्क उनका नाम है, और बंगाल के गवर्नर उठा लीजिए, इनका नाम है एमए. इन्होंने एमए कर रखी थी जी. बंगाली बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा पढ़ाई करते हैं. क्या चीज की, एमए करते हैं. एमए मतलब मुर्शीद कुली खान एंड अली वर्दी खान, सच अ ब्यूटीफुल नेम, कुली, ठीक है जी. मुर्शीद कुली खान एंड अली वर्दी खान. और अवध, अवध के अंदर सादत खान और सफदरजंग. एक कुली पर देयर इज अ पंजाबी सॉन्ग ऑल्सो, इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर दैट, कुली विचोड़ी मेरा यार दसदा. एनीवे मूविंग अहेड, इन हैदराबाद यू हैव निजाम अल मुल्क, बंगाल में यू हैव मुर्शीद कुली खान अली वर्दी खान. प्लीज रिमेंबर दीज थ्री नेम्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स. अवध के अंदर वी हैव सादत खान जी एंड सफदरजंग जी, ठीक है जी. एंड सी हाउ इट एंडेड अप, नाउ कैन यू रिकॉल, आई जस्ट टोल्ड यू फॉर्मूला, साजिद वाजिद. सो इट वॉज वाजिद जी जिनकी वहां पर एम्पायर ये खत्म हो गया, ठीक है जी. मूविंग अहेड, नाउ वी कम टू बंगाल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा. अब हुआ क्या जी, मुगल कमजोर हो गए, दो इंसान आए, ये हैं हमारे मुर्शीद कुली खान जी, आप इनको देख सकते हैं, और नीचे हैं जी अली वर्दी खान. दीज आप इनकी सुंदरता को निहार लें बैठ के, अगर आपको ये लग रहे हैं वैसे तो. मेड दे मेड बंगाल वर्चुअली इंडिपेंडेंट, बट दीज मेन वर वेरी इंटेलिजेंट, सी जस्ट लाइक यू पीपल. खैर, तो मुर्शीद कुली खान आया. मुर्शीद कुली खान साहब को हम आने वाले टाइम में एम कहेंगे, ठीक है जी. एम बॉन्ड मूवी के अंदर जो जासूस होता है ना, बॉन्ड की जो पिक्चर्स आती है 007, उसके अंदर भी एक लेडी होती है, लेडी एम. तो वी विल कॉल मुर्शीद कुली खान एज एम, बिकॉज ही एस्टैब्लिश बंगाल के अंदर नवाबशिप. ही वॉज मेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717. इफ यू रिमेंबर दिस इज अगेन वेरी न्यू, 1707 द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्टार्ट्स. And we should remember this is the year जहां से history of modern India takes a very big turn. And in 1770 this guy is the governor of Bengal. But he had been effectively in power since 1700. Officially सरकारी तौर पर जैसे कहते हैं कि मोहर लग गई 1717 से था. अब आप आए, आप आकर क्या करते हो, आप वही करोगे जो हैदराबाद कर रहा था, वही करोगे जो अवध कर रहा था, और जो बंगाल में अब हो रहा है वो क्या है. आप कहते हो जनाब, आप जो सेंटर में बैठे हो मुगल अंपायर, हम आपसे अलग नहीं हो रहे, घबराओ मत. उसको खुश शांत रखने के लिए पैसे भी देते रहते थे थोड़े बहुत. इट्स ओके, बंगाल इज नोन फॉर इट्स रिचनेस. भाई पैसे तो देखो आप कितने थे उनके पास. तो ही रेगुलरली सेंट लार्ज ट्रिब्यूट्स टू एम्परर. ही फ्रीड बंगाल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेंजर. द वर्ड इज डेंजर ओवर, आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स डेंजर. मुर्शीद कुली खान साहब, ही डाइड इन 1727, ठीक है जी. एंड देन हिज सन इन लॉ शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन रूल्ड बंगाल टिल 1739. नाउ अली वर्दी खान वॉज जस्ट वेटिंग
Now he kills Shuja's son. Aliwardi Khan कहता है यार मैंने भी तो तेरे साथ help की थी, तेरा बेटा आगे राजा बन गया, मैं क्या करूं? Aliwardi Khan thinks that even I helped you establish this Bengal as an empire, as a kingdom, and now your son comes, son-in-law comes and he's ruling. भैया who am I? What the hell? तो now he kills Shuja's son and himself becomes the Nawab. Now Aliwardi Khan साहब is the Nawab. So बंगाल के नवाब कैसे चलेंगे? देखिए रट्टा मारी है इसका भी, क्या भी मुर्शीद कुली खान साहब आए, फिर शुजाउद्दीन आ गया, और शुजाउद्दीन के बाद उसको मारकर यहां पर कौन आ जाएंगे? Aliwardi Khan जी, Aliwardi Khan. These two are men of exceptional talent, and इन दोनों के बाद जो इंसान आएगा, he is the person, he is known as Siraj-ud-Daula, he fought the battle of Plassey. और फिर इसके बाद आते हैं मीर जाफर साहब. मीर जाफर जी बहुत गड़बड़ घोटाला करेंगे. और उसके बाद आएंगे मीर कासिम, वो जो कि बक्सर की लड़ाई भी लड़ेंगे, और फिर से इनकी जगह मीर जाफर आ जाएंगे, और फिर निजामुद्दौला आ जाएगा. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. इनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा. अब क्या हुआ? अब देखें, पहले बात करते हैं जी हमारे एम के बारे में, है मिस्टर एम, एम ए के अंदर मुर्शीद कुली खान साहब के बारे में. तो ये कैसे थे, कैसा था बंगाल इनके पास जब इनके अंडर चल रहा था? तो इट वॉज, देखिए मुर्शीद कुली खान साहब, जस्ट टू शो यू कि कैसे चल रहा है, नंबर वन आ चुके हैं. तो ही रिकॉग्नाइज फाइनेंसिस ऑफ बंगाल बाय ट्रांसफरिंग लार्ज पार्ट ऑफ द जगीर लैंड इनटू खलीसा. क्या खालिस कहते हैं? पेपर में ना आपको ऐसे वर्ड आ जाएगा, मैं आपको बताता हूं, पेपर में वर्ड आएगा खलीसा. अब वो कह देंगे चार ऑप्शन दे देंगे, ठीक है जी, चार ऑप्शन दे दी, अब आपसे पूछेंगे इसका मतलब क्या है. तो आपको ये खलीसा वर्ड, लैंड है ये, टेरिटरी जिसकी जो रेवेन्यू होता है वो सीधा सुल्तान साहब के पास जाता है, ठीक है जी. अब यार बंगाल का राजा आया, करना क्या चाहता है? ही वांट्स टू अर्न मनी, सो ही बाय कैरिंग आउट अ फ्रेश रेवेन्यू सेटलमेंट एंड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू ट्रेनिंग. तो इसने कैसे किया, खलीसा लैंड्स को फिर से एक ट्रांसफर कर दिया जगीर लैंड, कैसे रेवेन्यू सेटलमेंट को फ्रेश किया और रेवेन्यू फार्मिंग लेकर आए. रेवेन्यू फार्मिंग क्या होता है? अरे मोटे शब्दों में समय निकले गए, ठेके पर जमीन दे रखी है कि ये लो जमीन, मेरे को तो पैसे दे देना, रेवेन्यू मुझे दे देना, खेती कर लो, थोड़ी सी अपने पास रख लो. ले देंगे 1/3 अपने पास रहता था, सब कुछ राजे महाराजे जमींदार लूट कर ले जाते थे. रेवेन्यू फार्मिंग लेड टू इंक्रीज इकोनॉमिक प्रेशर ऑन जमींदार एंड पेजेंट एज इट वॉज कलेक्टेड विद अटमोस्ट क्रुएलिटी. भैया आपको अच्छी समझ नहीं पड़ेगी, कोई राजा महाराजा उन्होंने रेवेन्यू किया इकट्ठा बड़े गंदे से. चाहे आपको याद है हमने मैसूर के टाइम पर उनके बारे में पढ़ा था, क्या नाम था वो, हैदर अली जी के बारे में, उन्होंने भी ये रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड. फॉरगिविंग है, माफ कर दिया, सब ठीक है, लेकिन जिनसे लेना है तो लेना है भैया, बात ऐसी है. रेवेन्यू फार्मिंग ऑल्सो कॉस्ट मेनी ओल्ड जमींदार टू बी ड्रिवन आउट एंड रिप्लेस बाय रेवेन्यू फार्मर्स. ऑब्वियसली व्हेन वन जमींदार और अ पेजेंट कैन नॉट वर्क, ही विल बी आउट ऑफ हिज द लैंड एंड समबडी एल्स विल बी वर्किंग. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑन दिस पेज, वन इज दिस थिंग खलीसा एंड अदर इज तकवी. तकवी क्या होता है जी? तकवी मतलब लोन, एग्रीकल्चरल लोन. तकवी किस, सी लुक एट दिस मुर्शीद कुली खान, on one hand he is collecting strict revenue, on other hand he is giving takvi loan to who? To poor cultivators. You give poor to loans to poor. Even when I teach you economy, I will probably be teaching you very soon, as soon as history is over, to relieve their distress as well as enable them to pay land revenue in time, unko so that they can pay land revenue. To unko help bhi kar raha tha ek tarike se, agar agriculture distress vera hota tha. Aur kya hua ji economy mein? Trade ko encourage kiya. अब आपका जी बंगाल है, ठीक है जी, बहुत बड़ा बंगाल का एरिया है. मैं ले सपोज कि कहाँ गया, ये बंगाल का लेसे की एरिया है, ठीक है जी, दिस इज बंगाल, बंगाल. अब राजा रहता है यहाँ और ट्रेड होना है यहाँ से. अब यहाँ से लेके यहाँ 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 चलते चलते यहाँ तक आएंगे तो क्या होगा, रास्ते में यहाँ पे चोर मिलेंगे, हम इन चोरों से बचना है. तो राजा कहता कोई बात नहीं जी, टू सेव यू फ्रॉम द सो कॉल्ड मॉडर्न डे, जिनको हम आजकल के टाइम पे हाईवे रॉबरीज कहते हैं और थेफ्ट्स, ही कंस्ट्रक्टेड थानास एंड चौकीज ऑल द वे अकॉन द रिवर्स ऑल द वे. एम मुर्शीद कुली खान एंड फ्यूचर अबाव गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू हिंदूज एंड मुस्लिम. भैया देर हैज नॉट बीन अ लीडर हु हैज नॉट बीन सेकुलर, आई कैन नॉट थिंक ऑफ वन, ठीक है जी. कोई दुनिया में जो मर्जी कहे, वी मस्ट रीड प्रॉपर हिस्ट्री. ही प्रिवेंटेड अब्यूजेस बाय कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इतना समझना जरूरी है पॉइंट, इसके बिना आप आगे के लेक्चर ही नहीं समझ पाएंगे. क्या है, कह रहे इफ यू कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? पहले तो कस्टम, दिस इज, लेट्स से दिस एरिया इज बंगाल एंड दिस इज माय लैंड, राइट गैरी, दिस इज माय लैंड. अब क्या होता है, यहां से मेरे गुड्स जाने थे बंगाल के अंदर. अब
दिस इज बॉर्डर राइट, दिस इज माई स्टेट एंड दिस इज बंगाल, ये हो रहा है. अब यहाँ से गुड्स जाने थे, तो जैसे ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर को अगर क्रॉस करेंगे, आई हैव टू पे सम ड्यूटी टू मुर्शीद गुली खान जी. नाउ वाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट थिंग टू नो? बिकॉज ब्रिटिशर्स विल बी वायलेटिंग इट वेन दे कम. हाउ? विल टॉक अबाउट इट. कैसे? When they started violating, we'll talk about how they violated it. First, understand what was happening when they were violating it. ठीक है जी, समझ लीजिए पहले violate करने से हो क्या रहता था. They forced East India Company to pay custom duties as other. वो कहते थे हम नहीं pay करते जी. हुआ क्या? फारुखसियर साहब से Britishers जाके वो फरमान ले आए, उसके बारे में मैं बात करूंगा आगे. Let me explain there only. फिर अलीवर्दी खान did not allow English and French to fortify their factories. इन कैलकटा एंड चंद्रनगर हम इसके बारे में हुआ क्या था, ये अपनी इन्होंने फैक्ट्रीज भी बनाई थी वहां पे. फैक्ट्री का मतलब क्या होता है जी? फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री कारखाना नहीं होता जैसे आजकल कहा जाता है. फैक्ट्री का मतलब होता है, कहां गया ये वर्ड, फोर्टिफाई देयर फैक्ट्रीज. पहले तो फैक्ट्रीज, फैक्ट्री मींस गोडाउन्स, ठीक है जी, उस टाइम के लिए. और फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? फोर्टिफाइड किलाबंदी. किलाबंदी क्या? फोर्टिफाई मीन्स दैट यू कंस्ट्रक्ट सिक्योरिटी लेयर्स अराउंड इट, वॉल्स, यू प्लेस योर आर्मी, यू फोर्ट, नोबडी कैन एंटर इट विदाउट आर परमिशन, समथिंग लाइक दैट. ठीक है जी, देयर वर टू. इंग्लिश की कहां पर थी? इंग्लिश फैक्ट्री दैट वॉज इन फोर्टिफिकेशन दैट वॉज डन इन कैलकटा. एंड वेर वर फ्रेंच डूइंग इट? फ्रेंच वर डूइंग इन चंद्रनागौर. रिमेंबर दीज टू वर्ड, CNC, कैलकटा एंड चंद्रनागौर. Now Bengal as a state, very little, very fertile, one of the richest provinces in India. They had developed industry and commerce. In East India Company was making huge profits. East India had secured, as I said, royal firman by Mughal Emperor Farrukhsiyar in shape of firman. Here's the firman, you can see on the side. See, this is how firman looked. I've shown you this earlier also, if you remember, if you've seen the earlier lecture, ki firman aise dikhte the. This is a representation of probably how a firman looked like, right? This is firman. What is written in this firman? I don't understand whatever language this is or whatever is written. This is just an example of this is how it looked. ठीक है जी, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है, लेकिन अगर फरमान है इसको मान लिया जाए तो इसके अंदर क्या लिखा होगा? Dear Britishers, you have the right to issue dastaks in India, but these dastaks you can issue only to company, not for personal use. आप दस्तक दे सकते. दस्तक क्या होता था? दस्तक होता था पास को कहते हैं उस टाइम के, कि आप दस्तखत कर दिए ना जी, दस्तक करके दे दिया मैंने, और कि इसको आप लेकर जाइए, सिग्नेचर कर दिए, और आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी. सेंटर में बैठा फारुखसियर की, जाओ स्टेट्स के अंदर ट्रेड करो. स्टेट कह रही है कि भैया हम नहीं करते, हम नहीं पैसे देते. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल. दीज डे देर इज इशू ऑफ क्या कहते हैं, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब सेंटर क्या कह रहा है कि हम GST अप्लाई कर देंगे. स्टेट क्या कह रही है? हमें नुकसान होगा, हम नहीं मानते. तो इसीलिए तो अभी तक लॉ नहीं पास हो पा रहा. लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि सबकी पूछ के चला जाए. फारुखसियर साहब तो राजा, वो तो इंडिया के एम्परर थे, तो वो थोड़ी ना पूछेंगे. तो इनको क्या कहा गया कि नो टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, राइट टू इशू पासिस, दस्तखत, इससे वर्ड बनाइए. कंपनी देखिए, इंग्लिश पेपर के अंदर एंशियंट ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए ना वर्ड का, हमेशा हिंदी ट्रांसलेशन, इफ यू नो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, आप उसे पढ़ें. ठीक है, होगा कि आप इंग्लिश के अंदर डैशटैग कुछ डेस्कटॉप कुछ भी आप इसको पढ़ दोगे. हिंदी में आप देखोगे दस्तक, तो फिर आप कुछ ना कुछ आपके ध्यान में आ जाएगा. नाउ कंपनी सर्वेंट परमिटेड टू ट्रेड बट नॉट कवर्ड अंडर फरमान. आप पर्सन, यू कैन नॉट यूज दी दस्तक इन पर्सनल कैपेसिटी. दिस फरमान इशूड बाय फारुखसियर वॉज अ परपेचुअल सोर्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल. हाउ? कैसे लड़ाई होती थी इस फरमान की वजह से? भाई एक चीज बताओ मुझे, ये मैंने आपको बताया था ये मेरी स्टेट है. ठीक है, नो दिस इज बंगाल एंड दिस इज माय स्टेट. ठीक है जी, अब यहां से कोई गुड्स गए, यहां पे मैं गया फारुखसियर से, फारुखसियर मुझे कहते हैं नो लो आप ऐड करो जी, क्या कोई चक्कर ही नहीं है. अब आई वेंट टू बंगाल, मैं आई वॉन्ट पे योर ब्लडी दीज कस्टम ड्यूटीज एंड ऑल. व्हाट विल हैपन? बंगाल विल गेट एंग्री, ही विल बी एंग्री. एंड वाई? बिकॉज ही इज नॉट हैविंग मनी, सो दैट मीन देयर वॉज लॉस ऑफ रेवेन्यू, राइट? Loss of revenue. Now, power to issue dastak was misused by the company to evade taxes for their private trade also. And all nawabs,
फ्रॉम एम टू ए, एम क्या है जी मुर्शीद कुली खान, ए है अली वर्दी खान, दे अपोज्ड इंग्लिश इंटरप्रिटेशन ऑफ फरमान, जैसे ब्रिटिशर्स इंटरप्रेट करते थे फरमान को, दे कंपेल्ड मेनी कंपनी टू पे लमसम टू देयर ट्रेजरी एंड फर्मली सप्रेस्ड देयर दस्तख्त। लेकिन कुछ बंगाल के राजा महाराजाओं से गलतियां हो गई। कैसी गलती हुआ क्या, 1707 से उन्होंने अपनी आर्मी नहीं बढ़ाई, आर्मी को बड़ा नहीं किया, दे डिड नॉट इंक्रीज देयर मिलिट्री फोर्स, यू नो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुड यू नो अटैक देम, सो व्हेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड कोर्सिव मेयर्स, दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग इफ देयर डिमांड वर नॉट एक्सेप्टेड आफ्टर 1707, दे कुड नॉट कंट्रोल इट, नंबर वन। नाउ अब ऐसा नहीं था बंगाली कर नहीं सकते, दे हैड द पावर टू डू दैट, बट दे थॉट दीज ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनीज है, ये बानी है, ये ट्रेडिंग करने वाले, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो आप एक चीज को समझें, दैट इट वाज मेरली अ ट्रेडिंग कंपनी, उनको ऐसा लगा इनके ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, इनको करने दो पैसे चार कमाने दो, लेट देम अर्न मनी, दे कैन नॉट डू एनी हार्म टू अस, दे कुड नॉट सी द रियल फेस, द हिडन फेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव एंड एक्सपेंशनिस्ट कॉलोनियलिज्म ऑफ द टाइम। ईस्ट इंडिया कंपनी तो चेहरा थी, मुखौटा थी, किसका उस टाइम की सबसे बड़ी कैसी ताकत का, जो कि कॉलोनियलिज्म करती थी। हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा वहां पर अच्छे से। नवाब कॉलोनियलिज्म का भी इतना ही है, कॉलोनी बनाना, मुल्क को अपना गुलाम बना लेना। नवाब रिमेंड एरोगेंट एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, अदरवाइज दे वुड हैव नोन डिवास्टेशन कॉज्ड बाय ट्रेडिंग कंपनीज इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। अरे इफ हैड इट बीन नवाब वर अवेयर, अकल होती थोड़ी सी, दे वुड हैव नोन द हिस्ट्री ऑफ दीज वेस्टर्न ट्रेडिंग कंपनीज जो वेस्ट से आई हैं, यानी कि यूरोप से या यूएसए से इस तरफ से आ रही हैं जो, खैर लेट्स नॉट कॉल इट यूएसए, यूएसए तो खुद अभी आजाद नहीं हुआ है। तो This is what is happening. तो अली वर्दी what happened? Because they could not build a strong army. आप सोच के देखिए, मोहम्मद को सॉरी दिस को मुर्शीद कुली खान साहब के पास सिर्फ 4000 घोड़े थे, 4000 की इन्फेंट्री थी, 2000 घोड़े थे, 6000 की आर्मी से कोई लड़ सकता है कोई देश या कोई स्टेट? अली वर्दी खान सीडेड लार्ज पार्ट ऑफ ओडिशा टू मराठा, देखो पहली हार होगी। 1756-1757 के अंदर ब्रिटिश डिक्लेयर वॉर ऑन सिराजुद्दौला, दिस इज द लैंडमार्क बैटल ऑफ प्लासी, क्यों हार गए भाई, स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है, इसका खामियाजा हमें अगले 200 सालों तक भुगतना पड़ेगा जब अंग्रेज हमारे पे राज करके जाएंगे। दे फेल टू चेक करप्शन, फॉरेन कंपनीज क्या होता था इनके, दे हैड देयर एक्साइज कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट में दे हैड देयर ऑफिसर, दे वर करप्ट, व्हाट वुड ब्रिटिशर डू, आई हैव टू पे 100 rupees एज अ कस्टम ड्यूटी, दे वुड पे 50 rupees टू द पर्सन हु इज ऑफिसर एज अ ब्राइब एंड ही वुड लेट देम गो। Loss of revenue, loss of revenue. Now, British occupation of Bengal, how did it happen? 1756 के अंदर सिराजुद्दौला, this is सिराजुद्दौला साहब, right? सिराजुद्दौला, now he succeeded his grandfather Ali Wardi Khan साहब and matter came to head, he was very angry sort of a person, ठीक है जी, आप इनकी मूंछों के साइज से देख लो कैसे गुस्सा आता होगा इनका है। He said, I want trade as it happened in the time of Murshid Kuli Khan. अंग्रेज कहते पागल हो गया है क्या, आर यू इन योर सेंसेस, इट्स नॉट पॉसिबल, ब्रिटिशर्स का रिएक्शन था। इंग्लिश रिफ्यूज एज दे वर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, दे सेड वी आर हैविंग विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री ओवर फ्रेंच एंड इट इज आफ्टर इन 1760 लेटर विल सी हाउ ब्रिटिशर्स वन अगेंस्ट फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वंडी वॉश ऑल्सो। दे सेड नो, वी डोंट गिव डैम अबाउट यू, वी विल नॉट पे टैक्सेस, rather if any good that enters Calcutta which was under their control, Calcutta was under control of Britishers, right, and not Nawab though he was a head of Bengal, right, so any goods that enter, now I was telling you about this, this is Bengal, chotu sa yahan par ye Calcutta hai, theek hai ji, this is Calcutta aur yahan pe thi meri state carry। ab kya hua, maine goods bheje, ab yahan par border aa gaya, ye border pe khada hu main, अब क्या हुआ यहां पे, बंगाल सिराजुद्दौला साहब पे मी टैक्सेस, ब्रिटिशर्स कह रहे इफ यू वांट टू एंटर कलकत्ता पे एस ड्यूटी, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। नवाब इज वेरी एंग्री एंड आल्सो थॉट दैट कंपनी वाज फेवरिंग दोज अगेंस्ट हिम, द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, ये एक अंग्रेजी का मुहावरा है जिसका मतलब है कि कैमल की पीठ के ऊपर इतना भार पड़ गया कि जब हमने आखिरी तिनका रखा वो गिर गया। The last straw on camel's back was when, कब टूट गया ऊंट की पीठ, कब टूट गई, when company without permission of Nawab began to fortify Calcutta,
हम मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कि कैसे वहां का जो राजा है वो क्या कहेगा जाके ब्रिटिशर्स को, कैलकटा में आप अपना जो फोर्टिफिकेशन तोड़ दो और फ्रेंच को कहेगा चंद्रनगर में तोड़ दो। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम टेलिंग यू चंद्रनगर, बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थॉट दैट वी फ्रेंच आर गोना फाइट विद अस हियर इन कैलकटा। वी विल स्टडी इन द अपकमिंग लेक्चर्स दैट हाउ मेनी सी पोर्चुगीज केम टू इंडिया, डच केम टू इंडिया, फ्रांस केम टू इंडिया, ब्रिटिशर केम टू इंडिया, ऑल दिस पीपल हाउ दे वर कमिंग टू इंडिया एंड दे वर फाइटिंग ऑन देमसेल्व्स टू कंट्रोल इंडिया। पैसे हमारे, जमीन हमारी, लोग हमारे जो मर रहे हैं, सब कुछ हमारा, लड़ फॉरनर रहे हैं कि हमें कंट्रोल कौन करेगा। इतना दुख, मतलब आप क्या कहूं मैं, मतलब कितनी किस हाल में था इंडिया उस टाइम पर। आप हिस्ट्री को अगर आप इसको समझें तो आप समझ पाएंगे आज हम कहां पर पहुंच गए हैं। सिराजुद्दौला, आप अपनी फ्रीडम को वैल्यू कर सकेंगे अगर आप इस हिस्ट्री को समझते हैं। आजाद, आप आजाद हैं आज। आपको कंट्रोल कौन करे इसके लिए अगर दो जाने लड़ रहे हो कि आपको आपको गुलाम कौन बना के रखेगा, सोच के देखिए क्या हाल होगा। सिराजुद्दौला इंटरप्रेटेड राइटली एज एन अटैक ऑन सोवरेनिटी। हु आर ब्रिटिशर्स और फ्रेंच टू अटैक मी? सिराजुद्दौला हैड द सेम क्वेश्चन। He said, how could have he allowed private company to make fort on his land? किला आप अपने land में कैसे बनने दे दोगे? तो सिराजुद्दौला was willing to accept them as traders, but not as merchants, but not as rulers. He ordered English and French demolish your fortifications. And French agreed. French said, okay, fine, sir, we will demolish it and they do it. British said, no, we won't do it. Do this. Now what happened? East India Company had acknowledged British government right to control it. British government जो इंग्लैंड में बैठी है कि आप हमें कंट्रोल करो, कोई बात नहीं, मजे आ रहे हैं। And quietly accepted restrictions on its trade and power imposed in Britain by the British government. Its right to trade with East had been extinguished by the Parliament in 1693 when its charter was withdrawn. We'll talk about this in a little detail in 7th lecture probably. It paid huge bribes to King, पार्लियामेंट एंड पॉलिटिशियंस। कंपनी पैसे देती थी उनको, पैसे ब्राइब करप्शन के देती थी, घूस देती थी, हमें काम करने दो यहां पे। अब मैं आपको बताता हूं बैटल ऑफ प्लासी से पहले एकदम से ऐसा क्या हो गया कि ये एक तो कारण मैं आपको बता चुका हूं कि वो कॉन्फ्रेंटेशन रहती थी फरमान के कारण जो थी, जो कि फारूक सिर ने इशू किया था। सिराजुद्दौला समझ गया कि आने वाले टाइम में ब्रिटिशर्स क्या कर सकते हैं हमारे साथ। ओहो, ये बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए थे कि कैसे ब्रिटिशर हमारे पर कंट्रोल करेंगे। ही वॉज अ विजनरी बट ही एक्टेड इन अनड्यू हेस्ट। इतना घबरा गया, हड़बड़ी में काम कर दिया, करो करो करो, मारो मारो इन्हें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एंड अंडर प्रिपेयर्ड ही सीज्ड इंग्लिश फैक्ट्री। ही वॉज अंडर प्रिपेयर्ड। इंग्लिश की जो फैक्ट्री थी, ये साइड पर देख सकते हैं, फैक्ट्री मतलब गडाउन। इस गडाउन को जाके इन्होंने जो कासिम बाजार एक शहर का नाम है, ऐसा समझ लीजिए एक सिटी का नाम है, एक एरिया का नाम है बंगाल के अंदर, उसको अंदर जाके इनके उसको इंग्लिश फैक्ट्री को कंट्रोल कर लेता है। और फिर सिराजुद्दौला जी यही नहीं रुकते, जाते हैं फोर्ट विलियम पे हमला कर देते हैं 20 जून 1756 को। एंड ही देन रिटायर्ड टू सेलिब्रेट हिज इजी विक्ट्री। और अपनी अब राजे हैं ना जी, लड़े अब ऐश भी तो करनी है, चलो जी सेलिब्रेशन करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रीलिम का पेपर देके सेलिब्रेशन में डूब जाते हैं, मेन ही पता आगे मेंस का पेपर भी देना है। तो सेम वे क्या होता है कि यहां पर वो दैट वाज फॉर यूपीएससी। अगर आप कोई और पेपर दे रहे हैं यूपीएससी के सिवाय, तो दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? आपको आप शॉर्ट टर्म सोचते हो, अब वो सेलिब्रेशन में डूब गया, मदिरा, एल्कोहल पी रहा जी, और क्या हुआ, अंग्रेज बड़े चलाक, दे टुक देयर शिप्स एंड रैन अवे। कहां पे? व्हेन देयर बिगर शिप्स ऑफ नेवल सुपीरियरिटी वर स्टैंडिंग। नाउ हियर दे वेटेड फ्रॉम मेड्रास एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज इंट्रीग एंड ट्रेचरी विद मेन ऑफ नवाब्स कोर्ट। अब आप मुझे बताइए, अंग्रेजों को दूर जाएंगे कैसे करेंगे, वो तो पता है जीत ही नहीं सकते। तो व्हाट डू दे डू? वो वहां पे मीर जाफर, ये वो मतलब गधे हैं जिनकी वजह से आज हमारे देश को इतनी मुसीबतें सहनी पड़ रही हैं। मैं तो मतलब लिटरली ये कह सकता हूं, इनकी वजह से ही हमारे यहां इतनी प्रॉब्लम आई। अंग्रेज अगर बंगाल को कंट्रोल ना कर पाते, ये शायद बहुत सारे इंडिया कंट्रोल ही ना आगे कर पाते। दीज आर दोस फूल्स जिनकी वजह से इतना मुश्किल हो रही है। कौन है? मीर जाफर, जो कि मीर बख्शी था, आर्मी का हेड था, ये पूरा प्राइम मिनिस्टर था। मानिक चंद, ही वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कैलकटा, इसने धोखा दिया हमारे सिराजुद्दौला को। आमी चंद, ये एक रिच मर्चेंट था, इसने धोखा दिया। जगत सेठ, अ बैंकर, बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल। उस टाइम पे ना प्राइवेट बैंक होते थे, एक एक इंसान का अपना बैंक होता था। और फिर खातिम खान, हु कमांडेड लार्ज आर्मी ऑफ नवाब ट्रूप। ये ना इतने घटिया लोग हैं, ये आगे जाके देखना, मैं बताऊंगा कैसे धोखा देंगे। और फिर अंग्रेज आएंगे, ब्रिटिशर्स विल कम टू अटैक सिराजुद्दौला एट टू ग्रीगेन देयर टेरिटरी ऑफ कैलकटा एंड देयर फैक्ट्री एट कासिम बाजार।
एंड हाउ डू दे कम थ्रू नेवी एंड दे कम थ्रू आर्मी, हु इज द हेड ऑफ देयर नेवी, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, नाम याद कीजिए, हु इज द हेड ऑफ देयर आर्मी नेवी, इट इज एडमिरल वॉटसन, दिस इज द मैन एडमिरल वॉटसन, और ये जो मोटा है यहाँ पे ये है कर्नल क्लाइव, ये कर्नल क्लाइव का नाम आपने बहुत सुना होगा, कैलकटा वॉज दस रिकॉन्कर्ड बाय क्लाइव बाय जनवरी 1757, तो ये यहाँ पर हो रहा है। अब बैटल ऑफ प्लासी के अंदर क्या होता है, जब लड़ाई, अब ये बैकग्राउंड है लड़ाई की, लड़ाई शुरू होगी, ब्रिटिशर सेड वंस दे कैप्चर्ड कैलकटा इन जनवरी 1757, प्लासी येट टू स्टार्ट, दे से डू दिस आई गिव यू इम्पॉसिबल डिमांड्स एंड इफ यू डोंट डू इट आई विल अटैक यू, दिस इज व्हाट ब्रिटिशर्स डिड एंड बेसिकली दे वॉन्टेड टू प्लेस मीर जाफर हु वॉज देयर द ट्रेटर, आई टोल्ड यू मीर जाफर इज द मीर बख्शी द ट्रेटर, ही इज द पर्सन whom they wanted to place on throne, and you know what happened, they finally before this British war main aapko bata chuka hu, and French ke sath unki ladai hoti, wo dress rehearsal thi ek kisam ki, taiyari practice thi, 23 June 1757 ka wo din tha battle for, dekhiye pata nahi mujhe ye irony hai ki kya ki sun, uske baad jo agli battle of independence hui wo pehli ladai jahan se hame mushkil hum gulam bane wo yahi thi ek tarike se, battle for plassey 1757 ki thi 1757, aur azadi ki pehli ladai jisko 1857 ki ladai kaha gaya wo bhi 1857 mein hui 100 saal baad, kaisi ladai thi, Britishers lost 29 men, some books suggest that, for example, Grover says that this number is 65, less NCRT says this is 29. Nawab lost 500 men. Mir Jafar and second person Rai Durlab, they were fighting but they were not a fighting. क्या मतलब है? फौज में वहाँ लड़ाई के मैदान पर तो थे पर लड़ नहीं रहे थे. They were you know the landing major leading major part of the Nawab's army. ठीक है ना? Mir Madan एंड मोहन लाल फोर्टवेल, यहां पर दो लोग हैं जिन्होंने को सपोर्ट किया, हमें इनका नाम देखो कितना इंपॉर्टेंट नाम है, आप सोचते हो कि पता नहीं कौन सा नाम इंपॉर्टेंट, देखो एक ऐसा दो इंसान जिन्होंने इसकी सिराजुद्दौला की मदद की, ठीक है जी, कौन है वो, मीर मदान मोहन लाल, मीर जाफर सन कैप्चर्ड नवाब एंड किल्ड हिम, मीर जाफर के बेटे ने, मीरान कुछ ऐसा नाम था, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा अभी, खैर बैटल हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट नबीन चंद्र सेन, दिस सच अ इंटरेस्टिंग फैक्ट, उसने उस टाइम पर एक पोएम लिखी पलाशीर युद्ध, पलाशीर पलासी युद्ध यानी कि युद्ध, ये बंगाली में लिखी उसने 100 साल बाद जी 1875 में, इट रिप्रेजेंटेड द बेट्रेल ऑफ सिराजुद्दौला बाय हिज फॉलोअर्स एंड हिज डिफीट एट बैटल, अब जी बैटल ऑफ पलासी, कंपनी अपोजिशन ऑफ एडवांटेज में कैसी आ गई, कंपनी को क्या हुआ, कंपनी को राइट्स मिल गए जी बीबीओ के, बीबीओ मतलब, और ये बीबीओ वर्ड में आने वाले टाइम में बहुत यूज करूंगा, बंगाल बिहार और उड़ीसा, ठीक है जी, आई शो यू हाउ दे लुक लाइक ऑल्सो, तो अभी अगली एक दो मिनट बाद ही बस, गॉट अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बीबीओ, पहले जो हक वो लड़कर लेते थे, इलीगली लेते थे ब्रिटिशर, कैलकटा में कोई आएगा तो जी हमें पैसे दे देना, अब वो बंद हो गया, अब क्या लीगली हो गया, हमारा जी हम पैसे लेंगे, and they also captured zamindari right of 24 parganas, bhai what is 24 parganas, this is a place, it's a city, it's a district near Calcutta, Mir Jafar paid about 2 crore as compensation for attacking British, Mir Jafar to traitor hi tha hai na ji, ab kya hua, apna banda bithaya, use kaha ki hame paise do, aap compensation pay karni padegi, aapne hamare par hamla kiya tha, he also pay and Mir Jafar was also pays to large bribes to people like Lord Clive, ये अपने पैसे लेकर अपने घर चले जाते थे, मिलियन ऑफ पाउंड्स लेकर जाते थे, अंग्रेज इतने करप्ट लोग थे, प्लासी पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश मास्टरी ओवर बंगाल एंड इवेंचुअली इंडिया, रिच रेवेन्यू ऑफ बंगाल वाज यूज्ड बाय ब्रिटिशर टू मेंटेन देयर ह्यूज आर्मी, अब हम देखेंगे मीर जाफर आ गया, देखो जी मैं आपको तीन बता, मुर्शीद कुली खान, उसके बाद एक छोटा सा फालतू का रोल आया, फिर अली वर्दी खान आया, फिर मीर जाफर आ गया, अब हम पढ़ेंगे मीर कासिम कैसे आता है, मीर कासिम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही विल टॉक अबाउट बैटल ऑफ बक्सर अभी, तो ट्रेजरी एम्प्टीड बाय ब्रिटिशर्स, खजाना खाली ब्रिटिशर्स ने कर दिया, कंपनी के जो डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, दे सेड बंगाल शुड ऑल्सो पे द एक्सपेंसिस ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, हैं जी दीज बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज विच वर अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, वी विल टॉक अबाउट हाउ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज दे वर अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, बट इमेजिन वो कह रहे हैं बॉम्बे और मद्रास का खर्चा बंगाली पे करेंगे, नंबर वन, नंबर दिस टू तक खजाना खाली हो गया, तीसरी बात जो रेवेन्यू आ रहा है बंगाल, आउट ऑफ रेवेन्यूज गवर्नमेंट वुड कलेक्ट द मनी, ठीक है जी, आई वॉज गोइंग देयर
paying them revenue. When I entered Bengal, I was paying them revenue. That revenue was used to purchase all the exports from India. And इंडिया से कुछ बाहर आएगा जाएगा, हम उसके लिए उस रेवेन्यू से हमारे से पैसे लेके हम ही को खरीद बेच रहे हैं. क्या मतलब, क्या ही कर रहे हैं ये लोग. बंगाल की जो पैसा था खत्म हो गया कंपनी का कम. अब कंपनी स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग जाफर. अब मीर जाफर को भी क्रिटिसाइज करने लगे, तू इस पैसे नहीं आ रहे हमारे साथ, तुम यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, यू आर नॉट पेइंग इस एनफ मनी, गेट आउट. एंड हु कम्स, हिज सन इन लॉ मीर कासिम. इन 1760 ही कम्स, who gave the company zamindari of more districts including Chittagong. देखिए मैं आपको कुछ words mention करता हूँ. Chittagong, Chittagong के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे. सूर्य सेन के साथ 1900 लगभग 30 के बाद 34 के आसपास की बातें पढ़ेंगे, कैसे Chittagong आर्मरी रेड के अंदर उन्होंने किया. खेले हम जी जान से, आपने पिक्चर देखी है, पिक्चर फ्लॉप हो गई थी, बहुत सुंदर पिक्चर, आप उसे देखिए कभी मौका मिले. अभिषेक बच्चन की पिक्चर आई थी उसके बारे में बात करेंगे, उसी के अंदर Chittagong की बात हुई है. मीर कासिम belied English hopes and emerged as a threat to them. He understood. क्या समझ गया मीर कासिम यहाँ पे, अगर मेरे को आजाद रहना है मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है जी, आजाद रहने के लिए पैसे चाहिए. क्यों चाहिए? पैसे से आर्मी मेंटेन होगी, से पब्लिक ऑर्डर उसके, और अगर पैसे चाहिए हमें पब्लिक ऑर्डर आएगा, करप्शन कम करनी पड़ेगी. आर्मी चाहिए यूरोपियन लाइन्स पे, यूरोपियन लाइन्स मतलब एक दो एक, याद रखने का तरीका क्या मतलब है, डिसिप्लिन, ऐसे खड़े होंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऑल दिस. आईपीएस वालों की ट्रेनिंग भी ऐसी इतनी मतलब यूरोपियन लाइंस पर ही है आज भी, जो पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग है, बुरे हाल है, क्या बकवास. खैर कुछ अच्छा भी है उसमें, ऐसा नहीं सब बुरा है, लेकिन पार्ट ऑफ इट इज बुलशिट. नाउ पीरियड ऑफ ओपन एंड अनअशेम्ड प्लंडर. अब देखो इस कोट का रट्टा मार लो, ये किसने कहा, अंग्रेज खुद कह रहे हैं. आज के मॉडर्न ब्रिटिश हिस्टोरियन हुआ, उसका नाम था Percival Spear, ठीक है जी, Percival Spear, या टाइटल देखिए इसका, उसने कहा था इट वॉज अ पीरियड ऑफ ओपन एंड अनअशेम्ड प्लंडर. ब्रिटिश डिसलाइक्ड इट ऑल एंड स्पेशली नवाब्स अटेम्प्ट टू चेक मिसयूज ऑफ फरमान ऑफ 1717, ठीक है जी, उनको पसंद नहीं आया. दे स्टार्टेड गिविंग चीप और फ्री दस्तक, मैं आपको बता चुका हूं. ऑनेस्ट मर्चेंट जो थे वो हर्ट होने लगे इकोनॉमी के अंदर, एंड जिससे ड्यूटी का भी लॉस हो रहा है, नवाब को भी लॉस हो रहा है. ब्रिटिश जमींदार को धक्का करते थे कि उनको गिफ्ट दें, गिफ्ट के थप्पड़ मार के कहते थे गिफ्ट दे मुझे, ये कर रहे थे, ठीक है जी. इट्स नॉट लिटरली, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू थिंग्स सिंपली. आर्टिसन को क्या कहते थे कि हमें सस्ते गुड्स बेचो, हमारे से पैसे लेते थे हमें, और फिर हमें कहते थे ये लो अपने पैसे और हम इसके बदले में गुड्स बेचो, और वो भी सस्ते में. मतलब लुक एट देम द वे दे आर डूइंग, इफ दे रिफ्यूज, एंड अगर मैं मना करता था चलो जी फ्लॉग थप्पड़ चाबुक पड़ रहे हैं, इंप्रिजनमेंट हो रही है. सो नवाब टुक ड्रास्टिक स्टेप. व्हाट विल नवाब डू? No custom duty collection. Everyone is free. I cannot let my citizen, this trader or to pay to Britishers. Rather, they not pay to anyone, including myself. Now, but Britishers were not ready for this. They said this equality. They said no. You impose the duty. We will not pay you, but you impose the duty. So now there was struggle between two rulers. Ek mian mein do talwaren kaise aa jaye? Only one can rule. So Britishers think this Mir Qasim is a fool. He is not suiting us. So they, what do? They call Mir Jafar back. Mir Qasim is defeated in series of battles in 1763, and then he fled to Awadh and formed. अब Mir क्या हुआ? Mir Qasim को निकाल देंगे यहाँ से, हार जाता है 1763 के अंदर बहुत सारी लड़ाइयों में. Then he flies to Awadh. Awadh के अंदर कौन बैठे? Shujaudaula. He is Nawab of Awadh. ठीक है जी, Sirajuddaula से कंफ्यूज मत कर लेना. Sirajuddaula हम की शायद डेथ भी हो चुकी है अभी तक. And he formed an alliance. The second was Shah Alam, who was the Shah Alam Part 2, who was the king, ठीक है जी, emperor of Mughal India. India के emperor के साथ, Awadh के राजा के साथ, और मैं खुद बंगाली राजा जिसका नाम, मेरा क्या नाम है, मीर कासिम, हम तीनों ने मिलकर alliance बना लिया. ये alliance Battle of Buxar की लड़ाई करेगा 1764 में. British bring मीर जाफर को British क्या करेंगे, फिर से नवाब बना देंगे फिर से. And in 1763, and they collect huge money for company. अब क्यों बने, उनको पैसा चाहिए. बैटल ऑफ बक्सर के अंदर देखेंगे क्या हुआ. ओहो, जब बहुत सारी लड़ाइयां, हमारा मीर कासिम हार गया, मीर जाफर आ गया, वहां चला गया, उसके साथ जाके उसने ऐसे ट्रीटी कर ली. बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, और अलायंस हो गया थॉरली डिफीटेड, एंड ब्रिटिश वन बुरे तरीके से बैटल ऑफ बक्सर में हार गए. ब्रिटिश को क्या मिल गया? बीबीओ का पार्ट मिल गया. लुक एट दिस मैप नाउ, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस. ये है बंगाल प्रॉपर, ये है बिहार, और ये है उड़ीसा. अब ब्रिटिशर्स को ये पूरे, ये कुछ बांग्लादेश का भी हिस्सा है आजकल के हैं, तो ये पूरे एरिया का इनका ब्रिटिशर का कंट्रोल हो गया. ठीक है जी,
ये था 1717 से लेकर 1751 तक, ये यहाँ पर नवाब का कंट्रोल है। फिर क्या होता है, इसकी टेरिटरी कम हो जाती है, क्यों? आपको मैंने बताया उड़ीसा हार जाता है ना जी, बंगाल के लोग उड़ीसा हार जाते हैं, आर्मी नहीं ना वो मेंटेन करते जब मुर्शीद कुली खान साहब के टाइम पे, ठीक है ना, तो अली वर्दी खान साहब आते हैं उस टाइम पे, ठीक है ना। अरे इफ यू डोंट रिमेंबर आई कैन एक्चुअली गो एंड शो यू बैक, ठीक है, ये देखो रुको, सीरियस, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, ये थे ना शुरू में, फिर सिराजुद्दौला आया, फिर मीर जाफर आया, जो आया मीर जाफर को निकाल दिया, पैसे नहीं आ रहे थे, मीर कासिम आया, मीर कासिम इनके बस में नहीं आ रहा था अंग्रेजों के, तो मीर जाफर आया, एंड में निजामुद्दौला आया, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाके, ठीक है ना जी। सो अब क्या हो रहा है, हम ये सब हम कर चुके हैं, अब मैप आ गया, तो अवध वॉज प्लेस एट देयर मर्सी, इस मैप को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, टेरिटरी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, देखो क्या हुआ, फिर नवाब ये हार गए जी उड़ीसा। अब यूरोपियन कुछ फैक्ट्रीज थी, लेट्स सी थोड़ा इस मैप को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहां पर अगर आप देखें यहां पर डब्ल्यू डब्ल्यू इज द फोर्ट विलियम, ठीक है जी, ये फोर्ट विलियम हो गया। अब इसके बाद देखते हैं चंदर नागौर, ये सब यूरोपियन फैक्ट्रीज हैं यहां पे, सी एच ये कासिम बाजार है, दक्का है यहां पे डी से, मुर्शिदाबाद है, ठीक है ना, तो ऐसे करके बहुत सारे एरियाज हुए। तो लुक एट दिस मैप केयरफुल, इट्स अ वेरी गुड मैप। फिर रिजल्ट क्या हुआ बैटल ऑफ अक्सर का, कासिम हार गया, शाह आलम टू हार गया, सिराजु शुजाउद्दौला हार गया जो अवध का था, ठीक है ना। तो अब बिकॉज ऑफ ऑल दिस हैपनिंग, ठीक है जी, क्या होता है फ्रॉम शाह आलम टू, अब सबसे अच्छा जो हार गया उनसे कुछ ना कुछ हम ले लेंगे, क्या लेंगे, सेंटर में राजा जी बैठे हैं, हम क्या लेते हैं उनसे, बीबीओ का दीवानी का हक ले लेते हैं, दीवानी, ठीक है, दीवानी का मतलब वो दीवानी नहीं जो आप सोच रहे हो, दीवानी मतलब सिविल राइट्स, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के राइट्स, और ये ट्रीटी होती है यहाँ पे, इस ट्रीटी का क्या नाम है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो होती है, इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है जी। अब सो नाउ व्हाट कंपनी वाज डूइंग इलीगली नाउ बिकेम लीगल, एब्सोल्युटली लीगल, जो काम सिर्फ पहले बंगाल में लीगल कर पाई थी कंपनी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो सारे एरिया में लीगल हो गया। इन रिटर्न कंपनी सिक्योर्ड हिम, शाह आलम को कहा कि सर यू कैन स्टे एट इलाहाबाद, वी विल बी हैप्पी टू सर्व यू बिकॉज यू आर गिविंग अस दीवानी राइट्स, एंड ही रेजिडेड फॉर 6 इयर्स एज अ वर्चुअल प्रिजनर देयर। एंड इफ यू टॉक अबाउट अवध शुजाउद्दौला, उससे क्या ले लिया, उसे कहते आपने जो लड़ाई लड़ी ना हमारे साथ उसके पैसे दो हमें। शुजाउद्दौला कब क्या था लड़ने, आप आए थे लड़ने ब्रिटिशर्स। अलायंस वॉज साइंड अंडर विच नवाब वॉज प्रोटेक्टेड बाई कंपनी अगेंस्ट एनी अटैक एंड ही वुड हैव टू पे फॉर दिस, ठीक है जी। शुजाउद्दौला नवाब को कहते डोंट वरी विल प्रोटेक्ट यू, इफ एनी वन अटैक्स यू विल प्रोटेक्ट यू, यू पे इस मनी फॉर दैट, दैट्स इट। नवाब वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन कंपनी, बक्सर कन्फर्म्ड द डिसीजन ऑफ प्लासी, अगर प्लासी की लड़ाई से बंगाल हो गया अंग्रेजों का, तो अब ये बक्सर की लड़ाई से अब पूरा नॉर्दर्न इंडिया अंग्रेजों का हो चुका था, अब उनके पैरों में था, बंगाल पहले ही उनका था, दिल्ली की सड़कें खुली हैं, अगला हमला दिल्ली पे, दिल्ली चलो। लेकिन अब इस सारे सिस्टम के दौरान एक मोटी सी आपको बात बता दूं क्विकली, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल चलता था, मीर जाफर बीच में मर जाता है एंड उसकी जगह उसके बेटे निजामुद्दौला को बिठा देते हैं, और फिर उसको खुद को रिवॉर्ड भी देते हैं उसको बिठाने का, क्या देते हैं, उसका ट्रीटी करते हैं 1765 में, नवाब को अपनी पूरी आर्मी बंद कर देनी है, और नवाब को वो क्या बनाते हैं, डिप्टी सूबेदार बना देते हैं, ठीक है जी। निजामुद्दौला के टाइम पे डुअल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आया था, तो क्या बनाते हैं इसको, डिप्टी सूबेदार नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश, जो उसका होता था जो बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, जिसे निजामत कहते हैं, द निजामत दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बंगाल वाज टू बी डन बाय अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर कॉल्ड एज डिप्टी सूबेदार एंड ही वाज नॉट रिमूवेबल बाय द नवाब। एंड नाउ डुअल और डबल गवर्नमेंट एज अ दीवान, कंपनी गॉट दिस राइट फ्रॉम शाह आलम टू कलेक्ट द रेवेन्यू, राइट। नाउ इफ यू हैव द रेवेन्यू यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द सिटीजन, बट दे सेड नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद यू मिस्टर निजामुद्दौला। दिस इज डुअल सिस्टम और डबल गवर्नमेंट, दो राइट ऑफ अपॉइंटिंग डिप्टी सूबेदार, इट कंट्रोल निजामत, दे कंट्रोल्ड इट, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज पुलिस जुडिशरी ऑल दिस वॉज ऑन नवाब ऑफ बंगाल। नाउ what is the effect of this dual government, power of administration was with British but responsibility was on Nawab, so neither company cared for people nor Nawab, log bechare mar gaye, how company used this power for drain of wealth from Bengal, drain of wealth bada acha concept hai, iske bare mein bhi baat karenge aane wale time mein, he stopped sending money from England to purchase Indian goods, no need, he collect revenue from Indians and pay them that money for their goods, they purchase goods from revenue of Bengal, sold them abroad,
दिस मनी स्पेंट वॉज नोन एज कंपनी इन्वेस्टमेंट. दे यूज टू कॉल इट कंपनी इन्वेस्टमेंट. पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपके कंपनी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है. British government sitting in England also wanted to share its profit. And in 1767, company asked to pay 400,000, 4 lakh pounds per year. हमें दे दो. अंग्रेज बैठे हुआ, अंग्रेज ललचा गए जी, उनकी जी भी ललचा गई. क्या कह रहे हैं, we also want share of your money. And 1767 pay us 400,000 pounds per year. This will create a huge debt on company. What is the impact of this debt on East India Company? We'll talk about it in next lecture. 1770, not next lecture, in 7th lecture. This is 5th lecture. In 1770, the worst that was to happen, nature also showed its fury. हमारे इंडियंस के साथ उस टाइम पर हर एक तरफ से हमें मार पड़ रही थी. Most terrible famine in the human history. खाने को खत्म हो गया जी, भुखमरी फैल गई. 1/3 population of Bengal died. 1/3 died or got impacted. Famine ठीक है, natural cause से हुआ था, बारिश कम हुई, लेकिन it was heightened by the company policies. ठीक है जी, question of the day, that is it. It is a little long lecture, but please bear with me, it had to be long. Discuss the immediate impact of fall of Mughal Empire. Write a short note on the dual system of administration. The Plassey Revolution was the first English essay in private profiteering on a grandiose scale. Comment कीजिए statement के ऊपर. सारे question 10-10 number के 150 शब्दों में लिखने हैं. आप अपने answer मुझे Fantastic Fundas पर भेजिए. Answer आपके PDF में होने चाहिए या photo खींच के भेजिए और photo clear होनी चाहिए. Pause कीजिए, इन questions को लिखिए और मुझे answers भेजिए. कुछ लोगों के आपके आंसर्स आए हैं. आई एम चेकिंग देम. ठीक है जी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं आंसर भी चेक नहीं कर पाया हूं. आई विल चेक देम नाउ वेरी सून. सो दैट इज ऑल. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स. स्प्रेड द वर्ड. आई वांट एवरीवन इन द वर्ल्ड टू नो कि जी हम ऐसा काम कर रहे हैं. इट इज फॉर यू. आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं करने की जरूरत. दिस इज ऑल फॉर फ्री एंड दिस इज फॉर एवरीवन. इट इज आवर हिस्ट्री एंड वी हैव अ राइट टू नो दिस. इसके लिए कि पैसे नहीं लगने चाहिए हिस्ट्री के लिए. फेसबुक या सोशल मीडिया पे आप इसे शेयर कीजिए. कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स, प्रेजेस, आई एम ओपन टू ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. ठीक है जी, दिस नॉट डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.